हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रेडमी के S2 के बारे में। रेडमी के S2 के अंदर अगर आपको कॉलिंग प्रॉब्लम आती है या कॉल एंडेड होती है आपकी, तो आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, ये आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो है सेटिंग्स में जाना होगा। कैसे अगर हमारे पास रेडमी नोट 5 प्रो है तो थोड़ा बहुत अपडेट का डिफरेंट मिल सकता है, बाकी जो मैं आपको बताऊँ वो सेम रहेगा। तो आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आने के बाद आपको मिलता है सिस्टम ऐप्स, तो सिस्टम ऐप्स को खोल लेना होगा आपको। सिस्टम ऐप्स को खोलने के बाद यहाँ पर आपको मिलती है कॉल सेटिंग्स, तो कॉल सेटिंग्स को भी आपको खोल लेना है। कॉल सेटिंग्स को जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको थोड़ी नीचे जाना होगा, नीचे यहाँ पर मिलती है आपको एडवांस सेटिंग्स, तो एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाना होगा और एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपको नीचे जाना होगा। थोड़ी सी नीचे यहाँ पर मिलता है आपको कॉल बैरिंग, तो कॉल बैरिंग के अंदर आपको चले जाना होगा। यहाँ पर सिम सिलेक्ट कर लेना होगा। सिम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रीडिंग होगी। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आपकी कोई सी सर्विस चालू तो नहीं है, खास करके आउटगोइंग कॉल्स की, क्योंकि आउटगोइंग कॉल्स पर आप कॉल मिलाते हैं तो कॉल एंडेड होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर ये चालू है तो इसको बंद कर लीजिएगा, जैसे कि मेरे यहाँ पर बंद है, तो फिर आपको कॉलिंग में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी आपके मोबाइल के अंदर। तो वैसे फिर यहाँ पर आपको सिर्फ अपने नेटवर्क को प्रॉपरली रखना है, आपको फिर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर गाइस यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।